before entering into the entire crazy, beautiful world of options, derivatives, futures and everything, मुझे आपको एक story सुनानी है. And अगर आपको सच में profitably options में पैसे कमाने हैं, this story is very, very, very important for you. बहुत ज़रूरी है. एक नया नया बच्चा आता है, उसको सबको पैसे किसको नहीं कमाने, पैसे सबको कमाने हैं. यार कैसे कमाएं पैसे, कैसे कमाएं पैसे, कैसे कमाएं, ऑप्शंस में स्टार्ट कर देते हैं, मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ तो करना है अपने को. बहुत अच्छे रिसर्च करते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं. एंड देन एक बहुत अच्छी मुझे बुक मिलती है और उसमें लिखा हुआ था कि यार अगर आप अच्छे से 10-15% ईयर आप कमा पा रहे हो, आप कंपाउंडिंग आपके लिए बहुत अच्छा मैजिक प्ले करेगी एंड यू विल बी अ करोड़पति वेरी वेरी सून. बहुत डिसेंट सी चीज़ है. 15-15-15 रूल सबने सुना है, राइट? तो होता क्या है कि वो स्टार्ट करता है. मान लेते हैं 10,000 रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किए, ठीक है. 10,000 रुपीज़ में एक महीने में लेट्स से मुझे बनते हैं 1% बन जाएगा, मतलब 100 रुपये मेरे बन गए या 150 रुपये मेरे बन गए. मैं बहुत खुश हूँ कि यार मेरा टारगेट है 10% का साल का या 15% का साल का. फर्स्ट मंथ का टारगेट तो मेरा अचीव हो गया. उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है. वो बोलता है, सुनना कितने पैसे बनाए तूने? बोले भाई टारगेट हिट जा रहा, तूने कितने कमाए पहले ये बता. वो बोलेगा कि यार मैंने तो है ना 10,000 रुपये पे 1,000 रुपये बना लिए. 10,000 पे 1,000, मतलब 10% इन वन मंथ, क्या कर रहे ये? कोई बात नहीं, दिमाग खराब हो गया. नेक्स्ट डे वापस से, यार आज है ना 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया. अब अज्यूम आप अपनी तरफ से बताओ मुझे कि यार जिस बंदे ने 100 रुपये कमाए हैं 10,000 रुपये से एक महीने में, क्या वो भी वही नहीं करना चाहेगा जो दूसरा बंदा कर रहा है? मुझसे फोन करता है, भाई यार क्या कर रहा है मेरे को बता, मेरे को भी इतने पैसे कमाने हैं. भाई मैं कर रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग. इंट्राडे ट्रेडिंग ये क्या होता है यार? मतलब तुम बहुत कम पैसे हैं, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स कर सकते हो और एक दिन में स्क्वायर ऑफ कर सकते हो और मतलब बहुत पैसा बन जाता है आराम से. यार मुझे भी ये करना है. इस बंदे ने स्टार्ट कर दी इंट्राडे. पहले दिन ही प्रॉफिट 2,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया. वेरी हैप्पी कि यार अब तो लाइफ सेट है. डेली का 5,000 रुपये कमाएंगे, महीने का 1.5 लाख रुपये हो गया, मतलब अपनी लाइफ सेट. जॉब वॉब छोड़ देते हैं. सेकेंड डे भी प्रॉफिट हुआ. थर्ड डे एक बहुत बड़ा लॉस हो गया 10,000 रुपये का 15,000 रुपये का. ओके. फोर्थ डे फिर से प्रॉफिट हो गया. फिफ्थ डे और बड़ा लॉस हो गया. अब मैं बहुत सैड हूँ कि यार इंट्राडे गलती कर ली. अपने छोटा छोटा आराम चल रहे थे वही बहुत चला, लेकिन अभी इस लॉस को रिकवर करने के लिए क्या करूँ? अभी एक दूसरे फ्रेंड का फोन आता है. बोले क्या कर रहे हो तुम, ये इक्विटी विक्विटी इन सब में पैसा नहीं बनता, ऑप्शंस करो, ऑप्शंस, ऑप्शंस में बहुत पैसा बनता है. बिकॉज इफ यू सी ऑप्शंस का प्राइसेस कितना फ्लक्चुएट होता है, आई टेल यू. 4 रुपीज का एक ऑप्शन बाय किसी ने किया है, दैट कैन इमीडिएटली गो टू 40, बट अगर एक्सपायरी इट कैन इमीडिएटली कम डाउन टू 0 ऑल्सो, राइट? तो उतना स्ट्रांग फ्लक्चुएशन होता है. और अपने को फोम होता है, यार 4 रुपये पे काश बाय कर लिया तो 10 गुना एक दिन में हो जाता, राइट? एंड बिकॉज द अदर पर्सन इज टेलिंग अस ओनली द बेस्ट पार्ट्स, वी गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट कि यार हमको भी ये करना है, राइट? एंड वी स्टार्ट डूइंग इट. 2 दिन प्रॉफिट, 3 दिन प्रॉफिट, 4 दिन प्रॉफिट, एंड देन अ ह्यूज लॉस. लॉस को रिकवर करने के लिए और पैसा बैंक से ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, फिर करते रहेंगे. एम आई सेइंग दैट ऑप्शन ट्रेडिंग इज बैड एंड नो वन शुड? नो, नॉट एट ऑल. इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. एंड इस यूट्यूब प्ले लिस्ट से माई ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर यू फॉर इट. अगर आप एकदम नए नए घुसे हो, बस आज से मार्केट स्टार्ट कर रहे हो, तो वुड रिकमेंड पहले इक्विटी समझो अच्छे से, उसमें ट्रेड करना स्टार्ट करो, उसके बाद ऑप्शंस तक आओ. इट्स अ सेकंड स्टेप, नॉट द फर्स्ट स्टेप. बट इफ यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप, यू फेयरली नो व्हाट मार्केट्स आर, हाउ डू दे वर्क, देन दिस इज द प्लेलिस्ट फॉर यू कि ऑप्शंस एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं. बिकॉज स्टार्ट टू एंड आई एम गोना कवर ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, कॉल, पुट, ITM, ATM, OTM, जितने जार्गन्स हैं, चेन कैसे सिंप्लीफाई, सब कुछ अपन इसी प्लेलिस्ट में ढंग से डिटेल में कवर करने वाले हैं. सो बिना इन्फ्लुएंस हुए एक गलत चीज स्टार्ट मत करो. ढंग से समझ के, सीख के और फिर इस चीज को स्टार्ट करना, एंड ट्रस्ट मी यू विल लव इट. तो यार मुझे ना पसंद है आलू के पराठे. अब मुंबई शिफ्ट हो गए, मम्मी तो है नहीं यहाँ पे, तो भार भैया के पास गए. एक दिन में गया, आलू का पराठा 20 रुपीज़ पर, लाइक फाइन है ना, फेयर ना. मैं किसी गया, वो बोलते हैं 30 रुपीज़. बोले ये क्या मजाक है,
चिंता मत करो, इन्फ्लेशन नहीं समझा रहा हूँ, इस वीडियो में हम समझ रहे हैं व्हाट एग्जैक्टली इज डेरिवेटिव्स। तो हुआ क्या, भैया ने मुझे बोला भैया आलू महंगे हुए, इसके लिए आलू का पराठा महंगा हो गया। तो बेसिकली आलू के पराठे की वैल्यू हम ड्राइव कर रहे हैं आलू की प्राइस से। अब केवल एक फैक्टर नहीं है बट मेजर फैक्टर वो है, ठीक है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट डेरिवेटिव्स इज। डेरिवेटिव्स क्या है, जो अपनी वैल्यू डेराइव करता है कोई अंडरलाइंग एसेट से। अब अंडरलाइंग एसेट क्या होगा, कोई कमोडिटी हो सकती है, इक्विटी हो सकते हैं, करेंसी हो सकती है, कुछ भी चीज़ जिसकी वैल्यू से एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिफाइन हो। कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव में कुछ मिलेगा नहीं अपने को? नहीं भाई, कुछ नहीं मिलेगा। तुम एक्सेस का या किसी पर्टिकुलर मान लो कोई भी स्टॉक का अगर डेरिवेटिव बाय करते हो, ऑप्शन या फ्यूचर्स, आपको उसके स्टॉक नहीं मिल रहे हैं। एक राइट एस्टैब्लिश हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अब कौन इंश्योर करता है कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट ढंग से सारा एग्जीक्यूट हो जाए, वो होता है एक्सचेंज। अब आप बोलोगे यार ये नॉर्मल सी चीज़ है, कोई भी अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है मैं अपने दोस्त के साथ कर लूँगा। लेकिन दोस्त डिफॉल्ट कर सकता है, लेकिन जब हम एक्सचेंज के थ्रू कोई चीज़ करते हैं डिफॉल्ट रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। सेकेंड चीज़ कि मान लो एक हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट होती है, उस एक्सपायरी डेट के पहले ही मुझे अपना राइट एग्जीक्यूट करना है या उस कॉन्ट्रैक्ट को बंद करना है, जो भी करना है आप पहले एक्सचेंज के थ्रू है इसलिए कर सकते हो, बिकॉज एक्सचेंज इंश्योर करता है विद मार्जिन्स। बायर्स और सेलर्स दोनों को एक स्पेसिफिक मार्जिन, इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन रखना पड़ता है एक्सचेंज के पास, जिससे इंश्योर होता है कि अगर मान लो कोई भी एक लास्ट मिनट पार्टी मुकर गई एंड में, तो एक्सचेंज के पास जो मार्जिन है उससे दूसरा बंदा सिक्योर है, राइट। सो डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी आप बाय नहीं कर रहे हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो फ्यूचर की प्राइस पे या फिर किसी और प्राइस पे, एंड देन वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है एक एक्सचेंज की मदद से। उस डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ से डिटरमाइन हो रही है, एक अंडरलाइंग एसेट से, जो कि आपका स्टॉक, फॉरेक्स, कमोडिटी, कुछ भी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ हो सकता है, वेदर भी हो सकता है, ठीक है। बस इतना सही है डेरिवेटिव, जो इतना बड़ा आपके दिमाग में बना रखा है ना डेरिवेटिव, ये वो, इट्स नथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स की बात करते हैं अपन इसमें, ऑप्शंस की बात करते हैं, लेकिन वो डिटेल में समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.